जिसने एक 65 साल के बुजुर्ग को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अदालत ने बुजुर्ग के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। डिजिटल रेप का आरोपी एक 65 साल का बुजुर्ग था, जिसे लेकर अदालत में दो वकीलों के बीच लंबी बहस चली। 8-8 गवाह पेश किए गए और अंत में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि 65 साल के बुजुर्ग पर रेप का आरोप, वो भी डिजिटल रेप, यानी इंटरनेट के माध्यम से किया गया रेप, और इसे अंजाम देने वाला एक 65 साल का बुजुर्ग, जिसे ना सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रही होगी और ना ही उसे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के बारे में खास ज्ञान रहा होगा, फिर भी बुजुर्ग पर लगाए गए आरोप सिद्ध भी हुए और उसे सजा भी हुई। बुजुर्ग पर लगे रेप के चार्ज और उसके जेल जाने तक की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि डिजिटल रेप आखिर है क्या। तो डिजिटल रेप 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया, जिसे निर्भया अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के शारीरिक उत्पीड़न के दौरान भले ही अपने यौन अंगों का प्रयोग ना करे, सिर्फ हाथ पैर की उंगलियां या किसी तरह के उपकरण और खिलौनों का प्रयोग करता है, तो उस शख्स को रेप का दोषी माना जाएगा। यानी किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को बिना उसकी सहमति के छूना भी रेप जैसे अपराध की श्रेणी में आता है और उसे वही सजा दी जाएगी जो समान रेप के केस में दी जाती है। हालांकि संशोधन से पहले ऐसी एक्टिविटी में उस व्यक्ति को रेप का दोषी नहीं माना जाता था। मूल रूप से बंगाल के रहने वाले अकबर नाम के बुजुर्ग पर डिजिटल रेप का आरोप 2019 में लगा था। बुजुर्ग पर आरोप था कि उसने 21 जनवरी 2019 को एक नाबालिग के साथ डिजिटल रेप किया। इस केस की सुनवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।